हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है स्कॉलरशिप फॉर्म को रिन्यू कैसे करें। स्कॉलरशिप फॉर्म रिन्यू करने के लिए प्रीवियस ईयर रिजल्ट, फीस रिसिप्ट और इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। ये MP स्कॉलरशिप पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखें, ये लॉगिन बटन है, इस पे क्लिक करके आप लॉगिन के लिए जा सकते हैं या फिर पेज को स्क्रॉल करें, स्टूडेंट कॉर्नर पे देखें, स्टूडेंट लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करें, ये आपका लॉगिन पेज है। यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करना है। इसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यदि आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप रिकवर कर सकते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड कैसे रिकवर करना है, इसके लिए वीडियो बना दिया गया है। इसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी डिटेल फिल करें। फिल करने के बाद अब आप लॉगिन पे क्लिक करें। इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर कन्फर्म करें। यदि आपका ये मोबाइल नंबर है, आई कन्फर्म मोबाइल नंबर एंड वॉन्ट टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यदि आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आई वॉन्ट टू चेंज मोबाइल नंबर पे क्लिक करके मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। यदि मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है तो आई कन्फर्म मोबाइल नंबर एंड वॉन्ट टू कंटिन्यू में क्लिक करें। इस तरीके से पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर देखें, अप्लाई या व्यू एप्लीकेशन में क्लिक करना है। क्लिक करें। इसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपकी डिटेल्स शो होगी और यहाँ पर आपकी फोटो शो होगी। यहाँ पर आप देखें, अपलोड फोटो, इस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी फोटो चेंज या अपलोड कर सकते हैं। ये जो आधार नंबर शो हो रहा है, यदि ये गलत है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज आधार पे क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड चेंज कर सकते हैं। अपडेट वोटर आईडी, इस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी वोटर आईडी अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद अपलोड इनकम सर्टिफिकेट या फीस रिसिप्ट या लास्ट मार्कशीट पे आपको क्लिक करना है और सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। क्लिक करें। इस तरीके से पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। यदि आपका कोर्स सेमेस्टर वाइज है तो आपको दोनों ही सेमेस्टर की मार्कशीट अटैच करनी है एक साथ। यहाँ पर आपको फीस रिसिप्ट अपलोड करनी है करंट ईयर की। जो आप ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए तथा उसका जो साइज है 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें। अपनी फाइल को सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। सेम ऐसे ही अब आपको अपनी मार्कशीट चूज करना है, सेलेक्ट करना है, ओपन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका फाइल का नाम भी शो होने लगेगा। इसके बाद फीस रिसिप्ट अपलोड करनी है। चूज फाइल पे क्लिक करें, फीस रिसिप्ट सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। तीनों फाइल अटैच करने के बाद अब अपलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करें। इसके बाद इस तरीके से सक्सेसफुल का मैसेज ओपन होगा। इसका मतलब है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। क्लोज पे क्लिक करें। यहाँ पर देखें, व्यू इनकम सर्टिफिकेट, इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना इनकम सर्टिफिकेट देख सकते हैं। इसी प्रकार आप अपनी मार्कशीट और फीस रिसिप्ट भी देख सकते हैं। यदि आपके ये डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो जाते हैं तो आप चूज फाइल पे क्लिक करके दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। पेज को स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर देखें, एडिट बैंक अकाउंट, यदि आपको बैंक अकाउंट चेंज करना है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद रिन्यू एप्लीकेशन में क्लिक करना है। क्लिक करें। इस तरीके से पेज ओपन होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ स्कॉलरशिप, यहाँ पर देखें एकेडमिक ईयर 2020-21। यदि आपने अपनी कॉलेज चेंज की है तो आपको एस सेलेक्ट करना है और एस सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट कोड इंटर करना है। यदि आप उसी कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं तो आपको नो ही सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद यदि आपने ब्रांच चेंज की है या कोर्स चेंज किया है तो आपको यहाँ से एस चूज करना है। इसके बाद कोर्स या ब्रांच कोड इंटर करना है। यदि आपने चेंज नहीं किया है तो आपको नो ही सेलेक्ट रहने देना है। ये उनके लिए है जिसने चेंज किया है। पेज को स्क्रॉल करते जाएं, यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर शो होगा। इसके बाद लास्ट ईयर एग्जाम की आपको डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपका करंट ईयर शो होगा। यहाँ पर आपका जो एडमिशन डेट है करंट ईयर की वो यहाँ पर फिल करनी है। करें, यहाँ पर आप वही एडमिशन डेट इंटर करें जो आपके फीस रिसिप्ट में है। इसके बाद कोर्स टाइप सिलेक्ट करना है कि आपका जो कोर्स है कि सेमेस्टर वाइज है या ईयर वाइज है, सिलेक्ट करें।
यहाँ पर जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशन डिटेल्स फिल करनी है, इसका मतलब ये है कि यदि आप सेकेंड ईयर का फॉर्म फिल करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर की डिटेल्स फिल करनी है। जिनका कोर्स सेमेस्टर वाइज है उन्हें दोनों सेमेस्टर की डिटेल्स फिल करनी है। और यदि आप थर्ड ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको सेकेंड ईयर की डिटेल्स फिल करनी है। जिनका कोर्स सेमेस्टर वाइज है उन्हें थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की डिटेल्स फिल करनी है। हम यहाँ पर एम ए सेकेंड ईयर का फॉर्म रिन्यू कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर की डिटेल्स फिल करेंगे। यदि आपका कोर्स टाइप ईयर वाइज है तो आपको यहाँ पर एग्जाम नेम एंटर करना है कि कौन सा एग्जाम है। जैसे कि आप बीए में हैं तो बीए फर्स्ट ईयर आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब आया था, यहाँ पर आपको डेट एंटर करनी है। यदि आपको रिजल्ट की डेट नहीं पता तो आप उसके आसपास की डेट एंटर कर सकते हैं। जो आपने मार्क्स प्राप्त किए यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क एंटर करना है। जैसे कि आपका 700 का पेपर था उसमें से आपने 400 अंक प्राप्त किए, तो जो 400 अंक प्राप्त किए वो ऑब्टेनेड मार्क में इंटर करना है, और जो 700 का पेपर था टोटल वो आपको यहाँ पर 700 इंटर करना है। जैसे ही आप ये दोनों एंट्री करेंगे यहाँ पर आप परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर रिजल्ट सिलेक्ट करना है कि आपका रिजल्ट क्या रहा। यदि आप पास हैं तो आपको प्रमोटेड टू नेक्स्ट हायर क्लास को सिलेक्ट करना है। यदि प्रमोटेड है तो भी आपको प्रमोटेड टू नेक्स्ट हायर क्लास या पास सेलेक्ट करना है। यदि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो रिजल्ट अवेटेड चूज करना है। यदि आपका जो कोर्स है वो सेमेस्टर वाइज है तो आपको सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको अपना एग्जाम नेम एंटर करना है, एग्जाम्पल एमए फर्स्ट सेमेस्टर। इसके बाद रिजल्ट डेट एंटर करनी है। यदि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट की डेट पता नहीं है तो आप यहाँ पर उसके आसपास की डेट एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स प्राप्त किए थे एंटर करें। इसके बाद टोटल मार्क्स एंटर करना है यानी कि जितना पूर्णांक था। इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक परसेंट शो होने लगेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना रिजल्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेमेस्टर की जानकारी एंटर करनी है, जैसे कि एमए सेकंड सेमेस्टर। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर की रिजल्ट डेट एंटर करनी है। इसके बाद कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं मार्क्स एंटर करना है। इसके बाद टोटल मार्क एंटर करना है यानी कि मैक्सिमम मार्क्स। इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका परसेंट शो होने लगेगा। इसके बाद रिजल्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद यदि आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको एस चूज करना है। एस चूज करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी हॉस्टल की जानकारी एंटर करनी है। यदि आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो आपको नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद फादर या हस्बैंड का व्यवसाय सेलेक्ट करना है। यहाँ पर व्यवसाय का नाम एंटर करना है। यहाँ पर टोटल एनुअल इनकम एंटर करनी है। यहाँ पर जो एनुअल इनकम एंटर करनी है इनकम सर्टिफिकेट के अनुसार ही एंटर करनी है। दोबारा एनुअल इनकम एंटर करना है। यहाँ पर माता का व्यवसाय करना है। यहाँ पर व्यवसाय का नेम एंटर करना है। यहाँ पर मदर की एनुअल इनकम एंटर करनी है, यदि है तो आपको जो भी है एंटर करना है। यदि कोई इनकम नहीं है तो 00 एंटर करें। यहाँ पर फिर से एनुअल इनकम एंटर करनी है। यहाँ पर अदर सोर्स एंटर करना है, यदि है तो एंटर करें, यदि नहीं है तो एनए एंटर करें। यहाँ पर अदर सोर्स की इनकम एंटर करना है, यदि है तो इनकम एंटर करें, यदि नहीं है तो 00 एंटर कर दें। इसके बाद यहाँ पर जो आपने इनकम एंटर करी है यहाँ पर टोटल होके इनकम आ जाएगी। यहाँ पर अगेन टोटल इनकम एंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया है सेलेक्ट करना है। यदि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, यदि सेल्फ है तो यहाँ पर सेल्फ सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट डेट एंटर करनी है यानी किस डेट को इनकम सर्टिफिकेट जारी किया गया था। यहाँ पर जो इनकम सर्टिफिकेट की डेट एंटर करनी है वो जो डेट है 3 साल से पहले की नहीं होना चाहिए। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद एक बार सारी डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद चेक फॉर्म फॉर वैलिडेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करें, इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स चेक कर लेनी है। यहाँ पर जो ये डिटेल्स शो हो रही है, यदि इस डिटेल्स में करेक्शन की जरूरत है तो आप नो आई वांट टू एडिट माय डिटेल्स पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यदि ये सारी डिटेल्स करेक्ट है, ग्रीन बटन एस माय एप्लीकेशन डिटेल्स एंड कंप्लीट एंड करेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करें, इसके बाद क्लिक हेयर टू रजिस्टर या अपडेट एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ एप्लीकेशन क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन होगा। इसके बाद एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करें, इसके बाद यहाँ पर देखें एडिट लॉग, दो बटन यहाँ पर दिखाई देंगी। अब आपको लॉग पे क्लिक करना है। क्लिक करें,
लॉक पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है। यदि कहीं पर आपकी जो फिल की हुई डिटेल्स इनकरेक्ट है तो आप उसे करेक्ट कर लें। इसके बाद लॉक माई एप्लीकेशन में क्लिक करना है, क्लिक करें। अगेन लॉक माई एप्लीकेशन में क्लिक करना है, क्लिक करें। इसके बाद सेंड ओटीपी फॉर लॉक एप्लीकेशन में क्लिक करना है, क्लिक करें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में ओटीपी जा चुका होगा, उसी ओटीपी को यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है, क्लिक करें। आपका जो ओटीपी है वो सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। अब क्लोज पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अगेन आपको लॉक एप्लीकेशन में क्लिक करना है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुल लॉक हो चुका है, क्लोज पे क्लिक करें। इसके बाद एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फर्स्ट रो पे देखें, व्यू प्रिंट, प्रिंट पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपको कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल करें। कैप्चा फिल करने के बाद प्रिंट माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। यदि आपके कंप्यूटर स्क्रीन में सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, आपका जो फॉर्म है कहाँ पर डाउनलोड करना है, तो आप लोकेशन सेलेक्ट कर सेव पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करें, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद हार्ड कॉपी प्रिंट करा लें और कॉलेज में सबमिट कर दें। इसके बाद आपको ये जो क्लोज का साइन है उस पे क्लिक करना है। करने के बाद अब आपको यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन है, लॉग आउट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप पुनः स्कॉलरशिप पोर्टल के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। आपका फॉर्म रिन्यू हो चुका है। यदि आपको फॉर्म रिन्यू करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि फॉर्म रिन्यू करते वक्त कोई गलत डिटेल्स फिल हो गई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट कैसे करना है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।